ग्रुप okay. uh, के फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर फंक्शन कंपोज़िशन। ओके स्टेटमेंट समझने से पहले हम पहले सबसे पहले जो चीज़ समझ लेते हैं वो ये है कि फंक्शन कंपोजिशन क्या होती है फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें स्टेटमेंट समझेंगे और प्रूव करेंगे फंक्शन कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आपके पास अगर एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन आपके पास जी है तो फंक्शन कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि एफ कंपोज्ड विद जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी uh, तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के यानी अगर हम दो फंक्शंस f और g को कंपोज करने वाले कंपोज़ करने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमने इनपुट दी है g को uh, मतलब अगर हम f ऑफ g यानी f और g कंपोज के इनपुट पे क्या वैल्यू देंगे तो हम पहले क्या करेंगे जो हम अपनी इनपुट दे रहे हैं x वो पहले हम अपनी देंगे g ऑफ x को यानी लेफ्ट से g ऑफ x जो हमें आंसर देगा फिर उस आंसर को इनपुट बनाएंगे मतलब जी ऑफ एक्स का जो भी आंसर आया फॉर एग्जांपल ये आंसर आया तो जी ऑफ एक्स अब इनपुट बन जाएगा और एफ़ की इनपुट होगी जी ऑफ़ एक्स तो एफ़ जो आंसर देगा जी ऑफ एक्स पे वो फाइनल रिज़ल्ट होगा मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एफ ऑफ़ एक्स है जी एक्स केयर है और मैं कहता हूँ जी मेरे पास जी ऑफ एक्स जो है वो है प्लस वन ठीक है अब मैं कहता हूँ कि मैं f और g को कंपोज कर रहा हूँ और मुझे आंसर बताएं टू का यानी अगर मैं टू का आंसर निकालूँ एफ एफ एक्स पे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा यानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एफ एफ टू निकालू तो मुझे आंसर क्या मिलता है टू इस फंक्शन में पुट करूँ तो टू का स्क्वायर होता है फोर और जी अगर इस जी के फंक्शन में अगर एक्स की जगह पर टू पुट करूँ तो मुझे क्या आंसर मिलता है फ़ाइव तो एफ ऑफ जी ऑफ टू का मतलब ये है कि पहले ये टू इनपुट बनेगी जी की फिर जो आंसर आएगा उसको हम इनपुट बनाएंगे एफ़ की तो ये कंपोजिशन होती है अब एफ एज इट इज़ रहेगा जी ऑफ टू की वैल्यू क्या है जी ऑफ टू की वैल्यू है फाइव तो अब हम फंक्शन में यानी एफ़ में फाइव पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे फाइव पुट करेंगे इसमें एफ़ में एक्स स्केयर क्या हो जाएगा फाइव का स्केयर कितना होता है ट्वेंटी फाइव तो ये आंसर आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का क्लियर है एफ ऑफ जी ऑफ टू का मतलब क्या है कि पहले टू इनपुट बनेगी जी की फिर जो आंसर आएगा वो आंसर इनपुट होगी एफ़ की ठीक है बाद में एफ अप्लाई होगा तो आंसर आया था फाइव अब फाइव इनपुट है एफ़ की तो अगर एफ़ में मैं फाइव पुट करूँ तो आंसर क्या मिलता है ट्वेंटी फाइव ये है फंक्शन कंपोजिशन ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स कहता है अगर आपके पास कोई एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट है एक्स जो है वो नॉन एम्प्टी है वो फाई नहीं है नॉन एम्प्टी सेट है तो कहता है जो फॉर एग्जांपल इसमें एन एलिमेंट्स हैं एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं एन एलिमेंट्स हैं तो ये कहते हैं कि अगर आप सेट बना लें एस एफ एन एस एफ एन क्या है एस एफ एन इज़ द सेट ऑफ ऑल प्रमोटेशन एस एफ एन इज़ द सेट ऑफ ऑल परमोटेशन ऑन देट सेट एक्सर एक्स नॉन एम टी सेट था फॉर एग्जाम्पल कुछ एलिमेंट्स इसमें पड़े हुए थे एक्स में ठीक है ए बी सी जो भी एलिमेंट्स पड़े हुए थे एन एलिमेंट्स थे अब एस एफ एन क्या होगा इस पर आपने परमोटेशन डिफाइन कर लेनी है परमोटेशंस बना लेनी है वो सारी प्रमोटेशन का जो सेट बनेगा उस सेट को हम क्या कहेंगे कि वो सेट है एस ऑफ एन ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि जी मेरे पास अगर एक्स तीन एलिमेंट्स पर मुश्तम है वन टू थ्री तो अब एस एफ अब एन की वैल्यू क्या है थ्री तो एस थ्री बनेगा एस थ्री क्या होगा ओके okay, जी तो एस थ्री का मतलब क्या होगा कि एस थ्री कॉन्टेन करेगा इस सेट एक्स की जो कि थ्री एलिमेंट्स पर मुशतमल है इसकी तमाम प्रमोटेशन को एस थ्री कॉन्टेन करेगा तो ये मतलब हो गया एस एन का ओके अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो सेट बनेगा परमुटेशंस का एस एन जो कि परमुटेशंस होंगी एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स की जिसके एन एलिमेंट्स होंगे ये अंडर द फंक्शन कंपोजिशन एक ग्रुप बनाएगी हमें प्रूफ करना है ओके okay. सबसे पहली चीज़ ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि जो सेट है एस एन सबसे so, so, पहली चीज जो हमें ग्रुप प्रूफ करने के लिए आ, शो करानी पड़ती है होता है कि जो हमारा सेट होगा जिसको हम ग्रुप प्रूफ करने जा रहे हैं वो क्लोज्ड हो अंडर बाइनरी ऑपरेशन हमने ये शो करना है कि एस एन इज क्लोज अंडर ऑपरेशन ऑपरेशन हमारा क्या है कंपोजिशन अंडर ऑपरेशन एसएन हमने शो करना है कि अंडर द कंपोजिशन अंडर फंक्शन कंपोजिशन क्लोज्ड है तो ये तो ऑबवियस बात है कि दो परम्यूटेशंस को अगर आप वो करेंगे आप उसमें कंपोज करेंगे तो एक परम्यूटेशन ही मिल जाएगा देखिए अगेन एक परम्यूटेशन है तो एक ऑबवियस केस था नेक्स्ट हमने चीज क्या शो करनी है फंक्शन कंपोजिशन ये हमने शो करना है फंक्शन कंपोजिशन ये जो हमारा ऑपरेशन है फंक्शन कंपोजिशन वो एसोसिएटिव है ये हमने शो करना है हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन कंपोजिशन है ये एसोसिएटिव है इस चीज़ को कैसे शो करेंगे लेट्स सी uh, मैं तीन यानी कि ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एफ भी परमोटेशन है एस एन की जी भी परमोटेशन है एस एन की और एच भी प्रमोटेशन है एस एन की एलिमेंट्स हैं। हमने शो क्या करना है ओके एसोसिएटिव शो करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एच ये जो ओ है ये कंपोजिशन को शो कर रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स का आंसर इक्वल आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स के आंसर के ये हमने शो करना है यानी इधर मैंने ब्रैकेट्स लगा दी एफ ऑफ जी पे और इधर मैंने ब्रैकेट्स लगा दी जी और एच पे तो ये चीज हमने शो करनी है कि ये इक्वल होती हैं चलें जी अब ये एक्स किस पे लेफ्ट लेफ्ट पे अप्लाई होगा यानी ये एक्स इनपुट बनेगी पहले एच की तो हम लिखेंगे एफ ऑफ जी एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स ओके जी अब ये जो इनपुट ये अब इनपुट बन चुकी है एच ऑफ एक्स अब ये फिर किसकी इनपुट बनेगी जी की इनपुट बनेगी तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स तो इस साइड से ये रिजल्ट आ जाएगा और इस साइड से रिजल्ट क्या आएगा देखें लेफ्ट से ही अप्लाई होगी एक्स पहले इनपुट बनेगी एच की तो एक्स एक्स पहले इनपुट बनेगी जी ऑफ एच की यानी जी ऑफ एच की ये सिंगल फंक्शन है ना तो एफ एज इट इज जी ऑफ एच ऑफ एक्स ये इसकी इनपुट बन चुकी ओके okay, जी अब नेक्स्ट एफ बाहर ही रहेगा अब ये एक्स किसकी की इनपुट बनेगी पहले एच की बनेगी तो ये हो जाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स तो ये देखें दोनों रिजल्ट्स क्या हैं सेम है तो इसका मतलब जो फंक्शन कंपोजिशन है वो एस एन पे क्या है एसोसिएटिव है तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होगी हमें तीसरी प्रॉपर्टी शो करानी है कि आइडेंटिटी भी इसमें है जी तीसरी चीज़ जो हमने शो करवानी थी वो थी कि इसमें कोई आइडेंटिटी प्रमोटेशन भी है तीसरी हमने शो करानी थी आइडेंटिटी एलिमेंट शो करवाना था ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो एक आइडेंटिटी मैपिंग देखते हैं आइडेंटिटी मैपिंग जो होती है वो इनपुट को उसी पे मैप करती होती है यानी जैसे मेरे पास अगर मैं अगर एक्जाम्पल ले लूँ आइडेंटिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ये एक आइडेंटिटी मैपिंग है इसमें आप जो पुट करेंगे वही आंसर आएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें थ्री पुट करता हूँ तो आंसर मुझे थ्री मिलता है इसमें मैं अगर फोर पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है फोर तो ये आइडेंटिटी मैपिंग होती है ये आइडेंटिटी मैपिंग भी बॉजेक्टिव होती है और ये एसेट में कंटेन करती है हम कहेंगे देर एग्जिस्ट आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू ऐसा फैन इडेंटिटी बिलोंग करती है एस एफ को और ये आइडेंटिटी फंक्शन है ये इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि आई एफ एक्स का आंसर क्या आएगा एक्स आंसर आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स वो जो हमारा सेट था उसके जो एलिमेंट्स इसमें पुट करेंगे इस मैपिंग में वही आंसर आएगा वो सारे के सारे एक्स जो एक्स को बिलोंग करते हैं स्मॉल एक्स जो कैपिटल एक्स को बिलोंग करते हैं तो ये बिलोंग करती है एस एन को मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर फ़र्ज करें कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स थे वन टू थ्री एक्स में तो वो वाली मैपिंग जो वन को वन पे मैप करे टू को टू पे मैप करे थ्री को थ्री पे मैप करे ये भी तो प्रमोटेशन है और ये बिलोंग करती है एसन में तो ये आइडेंटिटी होती है तो इस बात का कहने का मकसद ये था कि जो आप इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगी ये जो आइडेंटिटी मैपिंग है ये बिलोंग करती है हमारे एस को तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये लेफ्ट और राइट right से फंक्शन uh, का आंसर यानी कि आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिसफाई करती है कि नहीं देखें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आई को लेफ्ट से किसी और मैपिंग एफ़ के साथ ऑपरेट कराऊं तो आंसर एफ आता है कि नहीं देखें अब पहले एक्स एफ़ की इनपुट बनेगा आइडेंटिटी एज इट इज़ अब आंसर आ जाएगा एफ एफ एक्स तो अब आइडेंटिटी में जो कुछ पुट पुट करें इस फंक्शन में इस फंक्शन की डेफिनेशन थी कि वही आएगा आंसर यानी एक्स पुट किया तो एक्स आया एफ एफ एक्स पुट किया तो एफ एफ एक्स आया तो देखिए आइडेंटिटी जब कंपोज हुई किसी फंक्शन के साथ तो फंक्शन का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब लेफ्ट साइड से ये लेफ्ट प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिटी वाली उसको फॉलो करती है कि ये राइट right से भी करती है यानी फंक्शन को मैं लेफ्ट पर रखूँ और आइडेंटिटी को राइट right से कंपोज करवाऊँ तब भी ये बात ट्रू है कि नहीं अब एक्स पहले इनपुट बनेगा आइडेंटिटी की एफ एज इट इज आइडेंटिटी ऑफ एक्स अब आई एफ एक्स का आंसर क्या आएगा एक्स आएगा तो ये बन जाएगा एफ एफ एक्स तो ये लेफ्ट और राइट से दोनों तरह से अपनी आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करती है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है एस एन में वन एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है फंक्शन में क्या नहीं अपने ग्रुप में देखें इनवर्स uh, वाली बात प्रूव करनी है हमने अच्छा इनवर्स क्या होगा जैसे फॉर एग्जांपल लेट हम कहते हैं जी एफ बिलोंग करता है एस एन को तो हमारा ये क्लेम है देर एग्जिस्ट एफ इनवर्स एफ इनवर्स भी हमारा ये क्लेम है कि एस एन को बिलोंग करेगा सच दैट सच दैट के एफ़ और एफ इनवर्स को अगर हम ऑपरेट करवाएंगे यानी कंपोज करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा आइडेंटिटी आएगा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ये हमारा दावा है इसको प्रूव करते हैं जी मैंने एफ़ ले लिया तो एफ़ को मैं ऑपरेट करवाता हूँ एफ इनवर्स के साथ तो देखते हैं आंसर क्या आता है यानी एफ ऑफ एफ कंपोज विद एफ इनवर्स ऑफ एक्स इसका आंसर क्या आएगा एक्स पहले इनपुट बनेगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स की एफ बाहर ही एफ ऑफ एक्स की इनपुट बनाया एक्स अब एफ़ ऑफ एफ इनवर्स एफ एक्स फ्राम बेसिक नॉलेज ये किसके इक्वल होता है एक्स के इक्वल होता है और अभी हम पढ़ चुके हैं कि एक्स और आई एफ एक्स का सेम आंसर होता है यानी एक्स लिखे या आई एफ एक्स लिखे आंसर सेम है क्योंकि आई एफ एक्स भी आपको एक्स ही देगा इसका मतलब मैंने एफ़ को अगर एफ इनवर्स के साथ कंपोज़ किया तो मुझे आइडेंटिटी मिल रही है इस तरह आप अगर एफ इनवर्स को एफ़ के साथ ऑपरेट करेंगे तो वहाँ से भी आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी कैसे पहले एक्स इनपुट बनेगा एफ की अब एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्राम ऑफ बेसिक नॉलेज एक्स के इक्वल होता है तो एक्स को मैं आइडेंटिटी ऑफ एक्स लिख सकता हूं तो यहां से पता चलता है कि ये जो सेट था एस एन दिस सेट ऑफ ऑल प्रमोटेशंस ऑफ ऑन अ सेट एक्स विद एन एलिमेंट्स फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर फंक्शन कंपोजिशन क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं